पालखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। लेकर हाजिर है इम्पोर्टेंट टॉपिक, सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य अपनी नीच की राशि से निकलकर 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे, जो कि एक मंगल की राशि है, जली तत्व की राशि है। मंगल की राशि की वजह से यहाँ प्रसन्न तो रहते हैं, लेकिन जल तत्व होने की वजह से नाखुश भी रहते हैं, लेकिन रिजल्ट ओवरऑल तुला से बेहतर यहाँ देखे जाते हैं। इसका राशिफल बताएंगे, हर राशि का महा उपाय बताएंगे, और इस राशि फल को अपनी लग्न राशि या चंद्र राशि से आप सुने, देखें, समझें। और हमेशा की तरह निवेदन, मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है, नीचे मेरा लिंक फेसबुक ट्विटर का दिया जा रहा है, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, नीचे नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। खैर, सबसे पहले बात मेष राशि वाले। मान सम्मान की प्राप्ति, आर्थिक पक्ष मजबूत दिख रहा है, गाड़ी ध्यान से चलाइए, पैतृक संपत्ति में ना उलझें, पड़ोसियों से ना उलझें, और पुलिस कोर्ट कचहरी में कोई मामला है तो उसे टालने की कोशिश करिए, लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के मामलों में स्थितियां बेहतर दिख रही। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। व्यवसाय नौकरी में लाभ के संकेत, नौकरी में प्रमोशन के संकेत, व्यवसाय में नए व्यवसाय जोड़ने के संकेत, प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलने के संकेत दिख रहे हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत दिख रहा है, घर में घर गाड़ी बंगला आ सकता है, लग्जरी आइटम बढ़ रहे हैं। माता के स्वास्थ्य, पत्नी के स्वास्थ्य में बेहतरी दिख रही है। पैतृक संपत्ति में लाभ, पारिवारिक जीवन बेहतर, स्वास्थ्य मामलों में बस ब्लड प्रेशर का ख्याल रखिए। महा उपाय की बात करूं, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। नौकरी व्यवसाय में शत्रु पक्ष का खात्मा, नौकरी व्यवसाय में तरक्की के योग, नौकरी व्यवसाय में सुखद समाचार मिलने के संकेत दिख रहे हैं। आर्थिक पक्ष बढ़ता दिख रहा है, व्यापार में लाभ मिलता दिख रहा है, उसी के साथ साथ खास तौर से पारिवारिक संबंध भाई बहनों के बीच बेहतर होते दिख रहे हैं, पैतृक संपत्ति का निपटारा होता दिख रहा है। संडे के दिन तांबा, गुड़, गेहूं या मसूर की दाल का दान करना लाभकारी है। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों। कर्क राशि वालों, मान सम्मान की प्राप्ति दिख रही है, पुत्र की वजह से मान सम्मान गौरव बढ़ता दिख रहा है, प्रेम प्रसंग में लाभ दिख रहा है, शेयर मार्केट में लाभ दिख रहा है, उच्च पद की प्राप्ति दिख रही है, उच्च सरकारी पद की भी प्राप्ति दिख रही है। निश्चित तौर पर रविवार के दिन बंदरों को गुड़ खिलाएं, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सरकार द्वारा गाड़ी, सम्मान, उच्च पद मिलने के संकेत, नौकरी व्यवसाय में उच्च पद मिलने के संकेत, आर्थिक पक्ष मजबूत, लेन देन में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, शेयर मार्केट में लाभ हो रहा है, पति पत्नी के रिश्ते बेहतर, लेकिन माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। स्वास्थ्य के मामलों में स्वास्थ्य बेहतर दिख रहा है, उगते हुए सूर्य को रोली मिलाकर अर्घ दें, लाभ मिलेगा, और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों। कन्या राशि वालों, कैरियर व्यवसाय में स्थिति बेहतर दिख रही है, पराक्रम बढ़ता दिख रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ता दिख रहा है, लेकिन विदेशों से शुभ समाचार तो मिलेगा, लेकिन खर्चों पे कंट्रोल रखना। मान सम्मान में तरक्की, पैतृक संपत्ति में लाभ, पिता के स्वास्थ्य में बेहतरी दिख रही है। ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य क्लीम ओम इस मंत्र का 108 बार जाप करें। बात कर लेते हैं तुला राशि। निश्चित तौर पर एकादशेश द्वितीय भाव में है, धन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है, प्रेम प्रसंग में लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, रुपये पैसे की आवक अच्छी रहेगी, नौकरी व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं। क्या उपाय करें जिससे लाभ मिले भाई? लाल गायों को गेहूं खिला दीजिए, रविवार के दिन बहुत लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों। तो वृश्चिक राशि वालों, कैरियर व्यवसाय में कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा, लाइफ में तरक्की के संकेत, प्रमोशन के संकेत, आगे बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं, उसी के साथ साथ प्रेम प्रसंग में लाभ, आर्थिक पक्ष मजबूत, माता पिता का भरपूर सहयोग दिख रहा है। स्वास्थ्य मामलों में हाई बीपी के मरीज ध्यान देना, ओम मित्राय नमः इस मंत्र का पाठ 12 बार रोज करें। बात कर लेते हैं धनुराशि। कैरियर और व्यवसाय में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, छोटा मोटा मनमुटाव अधिकारियों के साथ, शत्रुओं के साथ हो सकता है, अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ हो सकता है, वो आप पर भारी भी पड़ सकते हैं, तो फोकस रखना। आर्थिक पक्ष एवरेज दिख रहा है, खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कर्ज लेन देन से बचने की कोशिश, रुपये पैसे की चोरी, उसको संभालना जरूरी हो गया है। स्वास्थ्य के मामलों में ठीक है मामला, ओम हिरण गर्भाय नमः इस मंत्र का पाठ करिएगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय में तरक्की के संकेत, कैरियर व्यवसाय में लाभ के संकेत,
कैरियर व्यवसाय में सडन प्राप्ति के संकेत दिख रहे हैं। मान सम्मान में तरक्की, सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, मित्रों से खासा सहयोग, गेनफुल एक्टिविटी में लाभ मिलेगा, जीवन बेहतर। ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य नमः, इस मंत्र का पाठ करें। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय में निश्चित तौर पर छोटा मोटा लाभ दिख रहा है इमीडिएटली इस गोचर के होते ही आपकी कुंडली में। उसी के साथ साथ खास तौर से नौकरी व्यवसाय में लाभ, उच्च पद की प्राप्ति, सरकारी उच्च पद की प्राप्ति, पति पत्नी से लाभ, आर्थिक पक्ष मजबूत, रुपये पैसे मिलेंगे, सरकार से गाड़ी मिल सकती है, लाल बत्ती नीली बत्ती मिल सकती है, लाभ मिल सकता है। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्या नमः, इसका 12 बार पाठ रोज करना लाभदायक है। बात कर लेते हैं मीन राशि वाले। भाग्योदय का समय है, जीवन बेहतर रहेगा, शत्रु पक्ष जो हावी हो रहा था वो खत्म होगा, नाम सम्मान मान सम्मान शोहरत सब बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, हर तरह से लाभ के संकेत हैं, जीवन में बेहतरी के संकेत हैं, माता पिता से भी लाभ होगा, प्रेम प्रसंग में लाभ होगा, पुत्रों से लाभ होगा, जीवन में बेहतरी के संकेत दिख रहे हैं। ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का पाठ करिए। तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।